चंद्रयान 3 दोस्तों मून पे लैंड होने से पहले बैंक निफ्टी आज के दिन मून पे लैंड हो चुका है। और जो लोग मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हैं उन लोगों के घर में प्रॉफिट का रॉकेट दोस्तों लैंड हो चुका है। क्योंकि अगर आपने अभी तक मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन टेलीग्राम बोल के लिखा हो, उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि कल के दिन दोस्तों अलग ही पागलपन होने वाला है। एक्सपायरी है 0-2 हीरो लेवल दूंगा, लेकिन आज के दिन मैसी पूरे के पूरे दोस्तों स्मैश कर लिया हमने। क्योंकि आज के दिन अगर मैं आपको दिखाऊं 19,409 के ऊपर निफ्टी को बाय करने को दिया था फ्री में, जो मिल रहा है ना भाई एक लॉट पे, अगर आप 2-3 हजार नहीं कमाए तो कमेंट में आके कल के दिन बोल दीजिए। 19,400 के ऊपर बाय करने को बोला था और बैंक निफ्टी को 44,187 के ऊपर बाय करने को बोला था। उसके बाद दोस्तों मैं क्या ही बोलूं, क्योंकि आपके सामने प्रूफ है। जैसे ही बैंक निफ्टी ने मेरे लेवल को ब्रेकआउट किया 335 पॉइंट अप, निफ्टी ने जैसे ब्रेकआउट किया 80-90 पॉइंट ऑफ, और आज के दिन लोगों ने जो पैसा छापा है। और मेरे कॉल टिप ग्रुप की मैं बात क्या करूं दोस्तों, क्योंकि जो पहला ट्रेड था सुबह सुबह खुलते 19,600 का मैंने पुट दिया था। छोटे से छोटे मूव, हर एक मूव मैंने कैच करवाया। 229 से 255 गया, छोटा सा पुट को भी हमने बाय किया और आराम से पैसा कमाया। लेकिन मेरे भाई कॉल सिस्टम है, क्योंकि अगर आप देखेंगे 11:05 पे 19,150 का कॉल को बाय करने को बोला था। कब? 11:05 पे, करेक्ट यहां पे दोस्तों। इतना बड़ा मूव शुरू होने से पहले ही बोल दिया था, आप देखिए पूरे बॉटम पे यहां से कॉल बाय करवा दिया था। पुट तो मैंने यहां पे बाय करवाया, ये प्रॉफिट बुक किया, कॉल को हमने यहां पे बाय किया। उसके बाद अगर देखेंगे वो इतना चला, क्योंकि अगर आप देखेंगे पूरे के पूरे 228 से 308 वो हाई मारा है दोस्तों। सिस्टम हैंग हो चुका है आज के दिन। हर एक पर्सन आज के दिन प्रॉफिट किया। अगर आप प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट देखेंगे 5,000, 6,000, 8,000, 10,000, ये देखिए आपके सामने सब कर रहा हूं। और जो मैं दोस्तों आज के दिन लेवल दिया ब्लास्ट, पूरे दिन हमने एंजॉय किया। तो जाके फ्री वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे यार, दिल से मुझे बुरा लग रहा है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिया करो ना यार, एक बार तो क्लिक करना है। और इस वीडियो में दोस्तों कल के दिन निफ्टी फिर निफ्टी में क्या हो सकता है देखने वाले हैं, और उसका ऑप्शन चेन भी हम ऑब्जर्व करने वाले हैं दोस्तों। क्योंकि यहां पे जो खेल हुआ है, कल के दिन एक्सपायरी है ना, अलग ही आग लगेगा। और निफ्टी का वीडियो दोस्तों 15 मिनट बाद ही अपलोड हो जाएगा, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, सो देट मैं आपके लिए मेहनत कर सकूं, अलग अलग वीडियो बना सकूं, तो एक क्लियरिटी व्यू मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब मैं क्या बोलूं, अभी जाके ज्वाइन कीजिए, वेट ही मत कीजिए। और आज के दिन के लिए यार एक लाइक तो बनता है, क्योंकि जो प्रॉफिट कमा के रखे पेड ग्रुप वाले, फ्री में जो दिया लेवल दौड़ने लगा। अगर आप देखेंगे अलग ही लेवल था भाई, बैंक निफ्टी का माहौल था। तो शुरू करते हैं दोस्तों। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, सच ट्रेंडिंग डे, मजा आता है ऐसे दिन में काम करने के लिए, ठीक है। अब कल के दिन की बात करूं दोस्तों, ट्रेंड कब कंटिन्यू रहेगा, बस मार्केट फ्लैट खुलना चाहिए। 44,571 के ऊपर निकलना चालू किया, सिंपली हम लाइक कहीं ना कहीं बाय करेंगे। लेकिन कंडीशन क्या है, कल के दिन मार्केट फ्लैट या फिर लिटिल गैप अप खुला, 44,571 के ऊपर गया तो ही हमें कॉल बाय करना है। इसके पीछे रीजन क्या है, देखिए दोस्तों आज के दिन ट्रेंडिंग मूव था, अच्छा खासा एक अपसाइड का मोमेंटम दिया, तो ये ट्रेंड को अगर कंटिन्यू हो होना पड़ेगा। अगर होगा तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस अगर ब्रेकआउट करेगा तो ही हमें आगे का कहीं ना कहीं मूव देखने को मिलेगा। और डोंट वारी, हम ऑप्शन चेन ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि वहां पे 44,500 पे कितने कॉल लेटर आप खुद देख लेंगे। तो देखिए अगर आप देखेंगे 44,571 ये कंप्लीटली रेजिस्टेंस है। 9:15 का उस दिन का कैंडल था 11 अगस्त का, मार्केट खुला बहुत एग्रेसिवली, कहीं ना कहीं बड़ा सा 15 मिनट में 300-400 पॉइंट फॉल कर दिया था बैंक निफ्टी। तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस पॉइंट निकल के आता है। अब ये रेजिस्टेंस पॉइंट के ऊपर अगर समझ लीजिए कल के दिन ट्रेड करने लग गया, तो टारगेट आपको और 200 पॉइंट देखने को मिल जाएगा। क्योंकि 44,700 अगर देखेंगे, 709 देखेंगे, ये सेकंड रेजिस्टेंस आता है जहां से अगेन एक बड़ा फॉल हुआ था। तो ये रेजिस्टेंस सेकंड रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया, तब जाके आपको और बड़ा मूव देखने को मिलेगा और सारे कॉल राइटर भागते हुए नजर आएंगे। हम डिस्कस करेंगे, मजे लेंगे कॉल राइटर का, खत्म कॉल राइटर दोस्तों। क्योंकि जिस तरीके से आज के दिन पिटाई हुआ है उनका, वो बोलते हैं कि यार क्या हुआ आज के दिन भाई, उम्मीद ही नहीं किए थे इतना ऊपर जाएगा बोल के। तो क्लियर हो गया दोस्तों, कल बस फ्लैट गैप लाइक फ्लैट है, थोड़ा गैप अप खुला, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया दोस्तों, हम बाय करेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, एक सीरियस बात है, हमें कब बाय नहीं करना है। अगर गलती से कल के दिन 200-300 पॉइंट गैप अप खुला, यहां पे खुला मान लेते हैं 44,700-800 इसके आसपास खुला, तो एम पैटर्न देख के हम सेल के बारे में ही सोचेंगे, सिर्फ और सिर्फ सेल के बारे में सोचेंगे। अगर कल के दिन गैप अप खुला तो
हम क्या करेंगे, एम पैटर्न देखेंगे। लाइक समझ लीजिए खुला यहाँ पे, ठीक है, नीचे आया फिर थोड़ा ऊपर गया, इस टाइप का कुछ पैटर्न बनाया। तो सिंपली हम दोस्तों ये स्विंग ब्रेकडाउन करते ही छोटा सा ऊपर एसएल डाल के सेल करेंगे, क्योंकि मैं बताता हूं आपको जो यहां पे आज के दिन सब बाय करके गए ना, कल के दिन अगर गैप अप खुला उनके अकाउंट में दिखेगा प्रॉफिट। आप खुद सोचो, आप बाय करके गए हो, ठीक है, आप बाय करके गए हो, यहां से बीटीएसटी लेके गए हो, कल के दिन आपको 6000 का प्रॉफिट दिखा, खुलते ही 5000 का प्रॉफिट दिखा, उसके बाद 5000 का प्रॉफिट क्या हुआ, जब मार्केट और थोड़ा ऊपर गया तो क्या हुआ, 6000 का प्रॉफिट कन्वर्ट हुआ, ठीक है, और फिर डिप मारा फिर 5000 हो गया, फिर ऊपर गया 6000 प्रॉफिट कन्वर्ट हुआ, फिर आप 5500 दिखा, फिर जब नीचे आ रहा है ये स्विंग पे आप ही पोजीशन निकालेंगे ना मेरे भाई, 4000 जब आएगा तो जेन्युइनली आप निकालेंगे, आप सोचेंगे यार 6000 प्रॉफिट मिल रहा था यार 4000 मिल रहा है मैं क्यों ना निकालूं, ऑब्वियस सी बात है निकालेंगे, तो अपना प्रॉफिट बुक करने लगेंगे। तो प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा दोस्तों अगर गैप अप खुला तो एम पैटर्न देखेंगे, फ्लैट खुला तो ही बाय करेंगे। अब डाउन की अगर मैं बात करूं तो मैं क्या बोलूं दोस्तों, डाउन की थोड़ा कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी कम लग रहा है, जिस तरह से ये मूव दिया ना दोस्तों हर एक स्विंग पे कहीं ना कहीं सपोर्ट है, बट कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूं आपको डाउन की तरफ बस कल के दिन फ्लैट खुलना चाहिए। नीचे आया 44,409 के नीचे आया, यानी कि 44,409 के नीचे, 44,409 के नीचे अगर समझ लीजिए प्राइस एक्शन दिखा लाइक दिस, खुला यहां पे नीचे आया थोड़ा ऊपर गया, फिर अगर समझ लीजिए इसे ब्रेकडाउन कर रहा है तो ही इसी स्विंग के नीचे हम सेल करेंगे। अब इसके पीछे क्या रीजन है, क्योंकि अगर आप देखेंगे 44,409 पे यहाँ पे कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस है, ओके क्लियर कट था, रेजिस्टेंस था, सॉरी है मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे रेजिस्टेंस था। आज के दिन आखिरी मोमेंट पे क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस को परफेक्टली ब्रेकआउट करके निफ्टी सॉरी बैंक निफ्टी ने क्लोज दिया है ऊपर, तो ऊपर की तरफ ही प्लान बनाएंगे दोस्तों। अब ये रेजिस्टेंस अब सपोर्ट बन चुका है, इसी सपोर्ट के नीचे आता है तो ही कहीं ना कहीं हमें डाउन साइड की मूव देखने को मिलेगा, नहीं तो नहीं दोस्तों अपसाइड ही मूव आपको स्लोली स्लोली देखने को मिलेगा। फ्लैट अगर गैप अप खुले तो 44,479 यानी कि 500 के आसपास क्लोज दिया है। अब आ चुके हैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन पे, ये हमारे कॉल राइटर या हमारे पुट राइटर दोस्तों, इनका काम रेजिस्टेंस क्रिएट करना। लेकिन जो मजे ले रहे थे ना पिछले चार दिन से, सोच रहे थे यार हम क्यों हारेंगे भाई, कभी हारेंगे कि आज के दिन देखिए क्या हालत हुआ है, बड़ा दया आ रहा है दोस्तों इन पे देख के। और यहां पे देखेंगे पुट राइटर बोल रहे हैं यार बहुत सेल लिया हमने चार दिन पे, सारा का सारा बदला लेंगे, क्योंकि 44,500 के आसपास क्लोजिंग दिया है। बट अगर आप कॉल राइटर का वाइप आउट देखेंगे, 25 लाख कॉल राइटर छूमंतर, 21 लाख कॉल राइटर टाटा, -14 लाख कॉल राइटर बाय, -10 लाख कॉल राइटर सीयू, क्योंकि दोस्तों सारे के सारे कॉल राइटर का बैंड बजा है आज के दिन। बट 44,500 मेरे भाई हार नहीं मानेंगे लेकिन पिटाई जरूर खाएंगे, क्योंकि 20 लाख से ज्यादा कॉल राइटर हैं। 44,500 के ऊपर गया ना कल के दिन तो सीधे मार्केट ऊपर गया, पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, क्योंकि ये क्योंकि देखिए उसके आगे 9 लाख 5 लाख है ही नहीं। 44,500 बेस्ट रेजिस्टेंस जोन है। डाउन की अगर मैं बात करूं तो 44,300 दोस्तों कल के लिए सपोर्ट बनेगा, क्योंकि 31 लाख पुट राइटर बैठ चुके हैं, तो कल के दिन 44,300 के नीचे है ना के डाउनसाइड और 44,500 के ऊपर अपसाइड। क्लियर हो गया दोस्तों। फिर निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी का वीडियो आने वाला है मेरे भाई, अभी कभी आएगा, 15 मिनट बाद मैं अपलोड कर दूंगा, सो देट दो बहुत दिन लाइक दो दिन हो गया ऐसे हमारा चालू है क्या, रोज दो वीडियो अपलोड होगा। तो देखिए अगर मैं बात करूं फिन निफ्टी का, तो बस कल के दिन फिन निफ्टी फ्लैट खुला, सेम निफ्टी का भाई तो फिन निफ्टी है, कल के दिन सॉरी बैंक निफ्टी का भाई फिन निफ्टी है, कल के दिन फ्लैट खुला 19,743 के ऊपर गया, तो हम कॉल बाय करेंगे। ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा क्योंकि बहुत दिन के बाद फिन निफ्टी उड़ा है हवा में, तो 19,743 के ऊपर बाय हम करेंगे, क्योंकि दोस्तों ट्रेंड आज के दिन कंटिन्यू रहा। आखिरी टाइम पे देखेंगे जो 2 बजे का कैंडल था ना, 15 मिनट का कैंडल, वही हाई मारा, और उसके अंदर अगर देखेंगे ये देखिए 15 मिनट कैंडल का, 2 बजे का 15 मिनट कैंडल का लो मार कर लीजिए, हाई मार कर लीजिए, उसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 कैंडल दोस्तों उसके अंदर सिमट गया, तो ये इनसाइड कैंडल सेटअप बन के रेडी हुआ है, बस फ्लैट थोड़ा गैप डाउन खुलना चाहिए, जैसे ब्रेकआउट दिया दोस्तों हम बाय करेंगे। क्लियर हो गया इतना। सेलिंग की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो कल के दिन बस फ्लैट है, फिर गैप डाउन खुला 19,694 के नीचे जाएगा तो हम सेल करेंगे। इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन दोस्तों 19,694 अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस था, और अगर आप देखेंगे ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके फिन निफ्टी ने क्लोज दिया है, ओके तो अगर आप देखेंगे रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके ऑलरेडी फिनिटी क्लोज दे चुका है, अब ये रेजिस्टेंस क्या बन चुका है, सपोर्ट बन चुका है, तो इसी सपोर्ट के नीचे मार्केट आएगा, प्रॉपर रिटेस्ट करेगा, ऐसे आते ही सेल मत कीजिए, प्रॉपर रिटेस्ट करने दीजिए, फिर ऐसे अगर नीचे आ रहा है यानी कि तो ही कहीं ना कहीं इसी लो के नीचे हम सेल करेंगे, हाई में हमारा सेल रहेगा। कल अगर आया इतना भी नीचे आ गया ना तो भी हड़बड़ी में कोई सेल नहीं, ऊपर जाने दीजिए 2-3 कैंडल,
फिर ब्रेकडाउन कर रहा है तो ही आप सेल कीजिए, उससे पहले कोई सेल मत कीजिए। क्लियर है दोस्तों, 19,735 के आसपास कहीं ना कहीं क्लोजिंग दे रहा है दोस्तों हमारा फिन निफ्टी। अब आ चुके हैं फिन निफ्टी के ऑप्शन चेन पे, ये कॉल राइटर ये पुट राइटर, और 19,700 से 750 इसी लेवल के आसपास क्लोज दिया है। तो 19,800 पे दोस्तों कहीं ना कहीं सारे कॉल राइटर बैठे हैं, जहां पे 370,000 कॉल राइटर हैं। तो 19,800 के नीचे, सॉरी मैंने 700 बोला, 19,800 के नीचे हमारा बुल जोन में चला जाएगा फिन निफ्टी, यानी कि और ऊपर चला जाएगा, क्योंकि 19,800 एक बार पार हुआ तो आगे का अगर देखेंगे कोई कॉल राइटर दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। 19,850 पे 1,00,000, 19,900 पे 3,00,000, 19,950 पे 2, 20,000 पे 2, तो 19,800 के ऊपर बुल यानी कि सीधे सीधे बाय करेंगे। और अगर मैं बोलूं डाउन की तरफ तो 19,700 के नीचे हमें डाउनफॉल की मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि 19,700 पे 5,29,000 पुट राइटर हैं। तो दो लेवल निकल के आता है, 19,800 रेजिस्टेंस, 19,700 के नीचे हम बियर की ट्रेड देखेंगे, यानी कि डाउनफॉल की ही सोचेंगे। ओके, मतलब डाउन मोमेंटम का। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके फ्री वाले ग्रुप पे अभी कभी ज्वाइन कर लीजिए, और मेरे भाई कल का एक्सपायरी का जीरो टू हीरो ट्रेड में देने वाला हूं, जो कि फ्री में लेवल रहेगा, तो आप जाके अभी कभी ज्वाइन कर लीजिए। अपने मम्मी पापा को बहुत 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 सारा प्यार दीजिए, उनका केयर कीजिए, और आज का दिन आपका कैसे गया जरूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए, और निफ्टी के लिए वेट करो मेरे भाई, अभी कभी आ रहा है वीडियो। थैंक यू सो मच।